हेलो ट्रेडर, चलिए जानते हैं कि कल हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं और उस ट्रेड का प्लानिंग क्या होगा। तो हम लोग जैसा कि फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो मार्केट ने एक अपसाइड की बहुत ही अच्छी रैली दी है। उसके बाद मार्केट ने 51,500 का ब्रेकआउट दे दिया और फिर उसको फेल कर दिया। इससे क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ सेलर आए होंगे और कुछ बायर निकल गए होंगे। उसके बाद फिर मार्केट ने जब अपसाइड की रैली दी, ये सारे सेलर निकल गए होंगे। जो भी होंगे यहाँ पर, वो थोड़े बहुत जो नीचे के बायर होंगे वही होंगे, बाकी सब निकल गए होंगे। उसके बाद मार्केट ने फिर से कंटिन्यू डाउन साइड की रैली दी। तो इस रैली में क्या हुआ होगा कि मार्केट में जितने भी बायर हैं नीचे साइड में, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम निकल गए होंगे। तो यहाँ पर नीचे साइड में ऐसे नहीं होंगे, या फिर होंगे तो इतने कम होंगे कि मार्केट उसको टारगेट करने के लिए नहीं जा सकता है। तो हमारा कल का प्लानिंग क्या रहेगा कि अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर इन सेलर को टारगेट करने के लिए एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे साइड में जाता है जिस साइड में बायर और सेलर दोनों हो। वो कभी भी ऐसे डायरेक्शन में नहीं जाएगा जिस डायरेक्शन में सिर्फ बायर हो या फिर सिर्फ सेलर हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में नीचे में बायर ही नहीं है, तो वो नीचे जा ही नहीं सकता है, वो यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जाएगा। तो मेरा कल का प्लानिंग ये रहेगा कि मैं यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड लूँ, और अगर मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप अप ओपन होता है तो फिर भी मैं यहाँ पर एक बाइंग साइड का ही ट्रेड का प्लानिंग करूँगा। लेकिन उस टाइम मुझे थोड़ा संभल के करना होगा क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जब सेलर के पूरे स्टॉप लॉस ख़त्म हो जाए तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, और अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है तब भी हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें देखना होगा कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही सेलिंग में ना चला जाए। अगर वो बहुत ज़्यादा सेलिंग में चले जाएगा तो हमें यहाँ पर एक सेलिंग का ही ट्रेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये सेलर सभी प्रॉफिट में आ जाएंगे तो इन्हें टारगेट करने का कोई मतलब बनता नहीं है और मार्केट इसको टारगेट करेगा नहीं। अगर मार्केट यहाँ से घूम जाता है कुछ सेलिंग में जाने के बाद, तब हम यहाँ पर फिर से एक बाइंग साइड का ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं। तो कल आप कुछ इस तरह से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और कल के मोमेंटम को देख करके अपना डिसीजन बना सकते हैं। थैंक यू।